अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अत्यावश्यक मांग करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम तत्काल तैयार किया जाए। प्रवीण तोगड़िया नागपुर में माता अनुसुईया समारोह नंदनवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कह रहे थे, राम मंदिर बनाने गए, कार से ऊपर ऊपर गोलियां चलाकर मारने वाले मुलायम सिंह जी यादव को भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राम मंदिर बन रहा है और दिल्ली में सत्ता जो है उनका नेतृत्व करने वाले अशोक जी सिंगल, बाला साहेब ठाकरे, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी और अयोध्या के रामचंद्र परमहंस और 90 में मुलायम सिंह जी की गोलियों से मारे गए कोठारी बंधु, उन सब को केंद्र सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। जिस देश में धर्म के लिए काम करने वाले लोग सम्मानित नहीं होते हैं वह देश का कभी कल्याण नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद स्पष्ट मानती है कि देश में राम मंदिर बन रहा है, आनंद की बात है, परंतु जनसंख्या का असंतुलन नहीं रोका तो 50 साल के बाद बने हुए भव्य राम मंदिर को भी खतरा हो सकता है और जनसंख्या का असंतुलन रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून केंद्र सरकार को तुरंत बनाना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र भाई अमित भाई दोनों पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कार्यकाल 1 साल बाकी है तो यह कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बना दो और काशी मथुरा मंदिर बनाने का कानून भी बनाओ और एंटी लव जिहाद कानून भी देश में बने।